इस खास वीडियो में मैं आप सबके लिए सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो लोग किसी भी वजह से इन एलिजिबल हो गए हैं तो उनका कैसे पैसा फ्रीज होने से या जब्त होने से बचे, इस खास वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। साथ में कोई भी किसी भी तरीके का नॉट एलिजिबल जो एप्लीकेंट का स्टेटस आ रहा है उसको एलिजिबल कैटेगरी में कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इसी खास वीडियो में बताने जा रहा हूं। और साथ में खासकर क्या इस आरपीएस 05 की एलिजिबिलिटी की रूलिंग्स थी, जिसे आप जान के समझ सकेंगे कि आप एलिजिबल से इनएलिजिबल या नॉट एलिजिबल किस वजह से आ रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत है इस चैनल पे प्रॉपर्टी ड्रीम्स में। जो पहली बार आए हैं, रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को चलिए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला मैं आप सभी को एक सबसे पहला जो स्टेटस मैं अपडेशन देना चाहता हूं। एक मेरे पास एक कमेंट आया था, उस कमेंट में एक किसी ने मेरे को कहा कि मैंने गलती से अपना और साथ में अपनी वाइफ का जानकारी ना होने की वजह से दोनों का प्लॉट में, एक ही सिंगल प्लॉट में अलग अलग फॉर्म भर दिया है और अब जब मैं उसे चेक कर रहा हूं तो वो इनएलिजिबल या नॉट एलिजिबल का स्टेटस दिखा रहा है। तो ऐसे में मेरी राशि जो जब्त होने जा रही है, अब क्या करें? जनाब आपको हम बता दें, आप थोड़ा सा घबराए नहीं, दो प्रोसीजर इसके बनते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर, जो ये जो मेल आईडी दी गई है rps05@yamunaexpressway.com में, आप ये इस मेल पे आप एक मेल करें और साथ में एक अलग से चिट्ठी भी बना डालें टू द मैनेजर प्रॉपर्टी yamunaexpressway.com के नाम पे, जिसमें आप अपना सब्जेक्ट डालें कि आरपीएस 05 में मैंने ऐसे ऐसे भर दिया था गलती से, उस वजह से मेरा ये जो फॉर्म मैंने जो भरा है इसमें से एक को हम दोनों हस्बैंड वाइफ में से जिसको आप फाइनल डिसीजन आप लेना चाहते हैं, एक को कंसीडर करें और दूसरे को सरेंडर करें। मींस आप एक उसमें कंसीडर करने के लिए एक एप्लीकेशन दें और दूसरी फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ सरेंडर करना चाहती है तो आप उनसे सरेंडर करा के एक एप्लीकेशन भरवाएं और साथ में अपनी जो आपने डिटेल्स जो जमा करी हैं उसकी कॉपी साथ में जरूर लगा के एक जरूर आप में आप स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से जरूर वहां पे भेज दें यमुना एक्सप्रेसवे के जो इनकी इस अथॉरिटी की आपका एड्रेस है उस पर आप भेजिए और साथ में मेल जरूर कर दीजिए। ये दोनों की दोनों चीजों का प्रूफ आप अपने पास रखिए, 90% पूरे चांसेस हैं कि उनमें से एक कंसीडर हो जाएगा और दूसरा सरेंडर हो जाएगा और सरेंडर होने के बाद दूसरे की जो धनराशि है वो आपको रिटर्न भी होने के पूरे चांसेस हैं। ऐसे केसेस लास्ट टाइम लास्ट हिस्ट्री में भी दोहराए गए थे और ऐसे ही सॉल्यूशन हमने उस वक्त भी देखे, काफी लोगों के पैसे बचवाए थे। तो जनाब ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल से। आपको इनएलिजिबिलिटी के क्लॉज पहले बता देते हैं, ये आप जरूर समझ लीजिए इनएलिजिबल इंसान किस वजह से होता है। जनाब रूल नंबर 1, अगर वो इंसान 18 साल से छोटा है मींस माइनर है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। रूल नंबर 2, अगर यूपी गवर्नमेंट की कोई भी इमोवेबल प्रॉपर्टी उसको प्राप्त है तो वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा एज पर क्लॉज नंबर 15 का सेकंड। अगर हम जो क्लॉज नंबर ब्राउशर की बात करें आरपीएस 05 2021 की तीसरा क्लॉज तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, वो एलिजिबल पर्सन अगर उसके पास मोर देन वन प्लॉट हो, मतलब वो खुद उसकी स्पाउस वाइफ या फिर उसका माइनर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, उन तीनों में से किसी ने भी एक से प्लॉट से ज्यादा अगर अप्लाई कर दिया है तो जनाब वो भी इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज पर क्लॉज नंबर 15(3). चौथा, जॉइंट नेम। अगर हम जॉइंट नेम की बात करते हैं तो जॉइंट नेम मींस एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट, यही दो जने जॉइंट का मतलब हुआ। को एप्लीकेंट वही हो सकता है जो कि इसमें डायरेक्ट इमीडिएट रिलेशन में आता है, मींस मदर हो फादर हो
ब्रदर हो, सिस्टर हो, सन हो, डॉटर हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, ये सब आपस में जो ब्लड रिलेशन या बिल्कुल क्लोज रिलेशंस में आते हैं वो ही को एप्लीकेंट बनता है। अगर को एप्लीकेंट आपने किसी और को बनाया है जो ब्लड रिलेशन में नहीं आ रहा है वो कंसीडर नहीं होगा, और कंसीडर भी तभी होगा अगर आपने इसका वैलिड आईडी प्रूफ लगाया है। अगर आप वैलिड आईडी प्रूफ लगाना भूल गए हैं तो इसके लिए भी मेल और एक एप्लीकेशन जरूर कर दें ताकि आप नॉट एलिजिबल से एलिजिबल में कन्वर्ट हो जाएं। ये है एज पर क्लॉज नंबर 15 का 4। तो जनाब ये जो मेन खास ये जो प्रोसीजर्स बताए गए थे, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था, और आपको फॉर्म भरने से पहले मैंने आपको डिटेल ऑनलाइन प्रोसीजर और क्या एलिजिबिलिटी क्लॉजेस हैं ये सारे के सारे डिटेल में आपको बताए थे। फिर भी कुछ लोगों से अगर चूक हुई है और वो इनएलिजिबल हो रहे हैं तो जरूर अपना पैसा फ्रीज होने से जरूर बचें, क्योंकि अगर आप समय पे ये कार्रवाई कर देते हैं तो आपका अथॉरिटी डिसीजन ले लेता है। और अगर आप शांति से बैठ जाते हैं और या सोचते हैं कि हम वहां जाके चक्कर लगाएं और फिर हमारा सॉल्यूशन निकले, तो जनाब ऐसा नहीं होता। हमेशा आपको बता दे, कभी भी कोई सरकारी अथॉरिटी या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वह हमेशा काम लिखत में, राइटिंग में हमेशा कंसीडर होता है। आप कोई भी काम करें हमेशा राइटिंग में चले, तो इसलिए राइटिंग कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईमेल प्लस आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट एक एप्लीकेशन जरूर भेज दें। आपका केस 90% मेरा पूरा चांस है कि आपका केस कंसीडर हो जाएगा। और बाकी मैं आप सभी के लिए दुआ करूंगा कि RPS 05 2021 में जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है उन सभी का जरूर स्कीम में नाम आए, और जिस जिस का स्कीम में नाम आए वो जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो जो खुश नसीब अब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जनाब वीडियो खत्म करने से पहले एक बात आपको और जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो स्कीम, ये जो ड्रॉ होगा, ये मैक्सिमम जो प्लॉट्स हैं, ये मैक्सिमम सेक्टर 16 के प्लॉट्स हैं। तो जनाब सेक्टर 16 को डेवलप होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। कहने का ये मतलब कि प्लॉट की अगर हम सेलिंग की बात करें तो मार्केट में इसकी सेलिंग तो आप अभी इमीडिएट कर नहीं पाएंगे। मींस जो भी इसमें एप्लीकेंट्स हैं, जिन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया है, फॉर्म भरा है स्कीम में, कुछ कहते हो निकलेगा और कुछ का नहीं निकलेगा। जो नॉट क्वालिफाई होंगे तो आने वाले वक्त में मात्र एक महीने बाद, मतलब 18 अप्रैल 2022 का अगर हम एक महीने के बाद की लगभग बात करें, तो जनाब फिर मार्केट में आपको तेजी की रफ्तार देखने को मिलेगी। ये पक्का दावा है और ये होना है, क्योंकि बहुत से लोग इस स्कीम का वेट कर रहे हैं कि स्कीम का ड्रॉ निकले। अगर निकलता है तो ठीक है, और नहीं निकलता तो मार्केट से कम एक प्लॉट जरूर ले ले, क्योंकि आने वाले वक्त में ये भी रेट, आने वाले वक्त में हर एक इंसान को पता है वो रेट जो आज है वो कल नहीं होंगे, और रेट ऊपर आसमान की बुलंदियों पे जाने वाले हैं, ये सभी को पता है। जैसे जैसे प्रोग्रेसिव चीजें वहां बनती जाएंगी, रेट आसमान की बुलंदियों के साथ छूते नजर आएंगे, और धीरे धीरे जैसे ही बसावट हुई तो जनाब आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया आपको आने वाले वक्त में इधर का एरिया देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, ये लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने चाहने वालों तक जरूर। ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि पैसे का मामला है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, और मैं नहीं चाहता मेरे भाई बंधुओं में से किसी भी एक का पैसा किसी भी तरीके से नष्ट हो। तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा इसे, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया से पहुंचाए, वीडियो जरूर ज्यादा से ज्यादा ऊपर पहुंचनी चाहिए। बस अभी फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, मिलता हूँ बहुत जल्द एक खास नई अपडेशन के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।